हेलो स्टूडेंट, क्लास टेंथ का सीबीएसई ने न्यू सिलेबस रिलीज कर दिया है। आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ के साइंस के सिलेबस की, जो नया सेशन है 2021 और 2022 के लिए, ठीक है, जो अभी सेशन चल रहा है। हम आज सिलेबस टर्म वन की बात करेंगे और जो मार्क्स 40 का होगा, यानी 40 मार्क्स का होगा, और जो 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट कंटेन करेगा, यानी 40 मार्क्स का ये थ्योरी वाला पोर्शन आएगा और 10 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट है स्कूल की तरफ से मार्क्स दिए जाएंगे। और जो टर्म वन है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है और टर्म टू सब्जेक्टिव होगा। अब हम बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। चैप्टर वन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स, और चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इतना केमिस्ट्री का पोर्शन है, केमिस्ट्री से ये लिया गया है। अब बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में लाइट में दो चैप्टर हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन, तो ये फिजिक्स वाला पोर्शन है। फिजिक्स में लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन आएगा, और चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड आएगा, ये फिजिक्स का पोर्शन हो गया। फिजिक्स में दो चैप्टर आ रहे हैं, और बायोलॉजी में एक चैप्टर आ रहा है, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है और कौन कौन सा पोर्शन या टॉपिक डिलीट है। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है, सब कुछ पढ़ना है। चैप्टर नंबर सेकंड एसिड्स बेस एंड सॉल्ट, इसमें भी कोई टॉपिक डिलीट नहीं है, इसको भी सब कुछ पढ़ना है। चैप्टर नंबर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मेटलर्जी प्रोसेस है, उसको डिलीट किया गया है। मेटल्स का प्योरिफिकेशन कैसे किया जाता है, इसको डिलीट किया गया है। कोरोजन का पार्ट कुछ फर्स्ट में भी था और कुछ थर्ड में भी था, इसको डिलीट किया गया है। कोरोजन और उसके प्रिवेंशन, इसको डिलीट कर दिया गया है। तो चैप्टर नंबर थर्ड में मेटल्स और नॉन मेटल्स में मेटलर्जी को डिलीट किया गया है। मेटल्स की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है मेटलर्जी में, कुछ हाई रिएक्टिव मेटल हैं, कुछ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हैं, कुछ लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, उसका प्योरिफिकेशन करते हैं और सेपरेट किया जाता है, मेटल्स को प्योर करके निकाला जाता है। मेटलर्जी में ये आएगा, कोरोजन और प्रिवेंशन ये डिलीट कर दिया गया है। तो केमिस्ट्री का जो पूरा पोर्शन आ रहा है ये 16 मार्क्स में आ रहा है, ठीक है, बड़ा पोर्शन है ये। और उसके बाद फिजिक्स में हम देखते हैं लाइट में जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन आ रहे हैं, इसमें कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन में, रिफ्लेक्शन का मतलब मिरर के लिए आएगा, मिरर में प्लेन मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स होगा, रिफ्रेक्शन में कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन के आगे वाला ही पोर्शन है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन में जो मिरर और लेंस का यूज होता है, दोनों में कंबाइंड करके 11th चैप्टर में यूज होता है, ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड में। इसमें जो चैप्टर हैं वो फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, ह्यूमन आई वाला जो टॉपिक है उसको डिलीट कर दिया गया है। ह्यूमन आई के फंक्शनिंग, ह्यूमन आई के पार्ट, जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ, रेटिना, कॉर्निया और कॉन्वेक्स लेंस, जो फ्रंट पार्ट होता है ह्यूमन लेंस होता है, ठीक है, विट्रियस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, ठीक है, ये जो पार्ट्स हैं उनको डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये जो टॉपिक हैं इनको डिलीट कर दिया गया है। और उसके बाद उनको करेक्शन किया जाता है, करेक्शन के लिए जो लेंसेज यूज किए जाते हैं उनको भी डिलीट कर दिया, यानी इसको पढ़ना नहीं है डिफेक्ट ऑफ विजन को, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेज, और मिरर और लेंसेज के यूजेस क्या हैं उनको भी डिलीट कर दिया गया। तो चैप्टर नंबर 11 जो फिजिक्स का है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में, उसमें हमें लेंसेज जो हैं, यानी ह्यूमन आई की जो फंक्शनिंग है उसको नहीं पढ़ना है, और डिफेक्ट ऑफ विजन यानी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और कैटरेक्ट, ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन है और उसके करेक्शन, यानी कौन कौन से लेंसेज यूज किए जाएंगे ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है, और स्पेरिकल मिरर और लेंसेज के एप्लीकेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये फिजिक्स का पोर्शन हो गया, फिजिक्स का पोर्शन आ रहा है 14 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 को देखते हैं, बायोलॉजी का लाइव प्रोसेस, इसमें कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है, ये 10 मार्क्स का आ रहा है। मुझे लग रहा है ये सारा सिलेबस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमें केमिस्ट्री में 3 चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स में 2 चैप्टर पढ़ना है, और बायोलॉजी में ये बड़ा चैप्टर है इसको पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे टोटल मार्क्स का क्लियर करना है, टर्म वन के लिए तैयारी करना है, स्टार्ट कर दो, ठीक है। ओके, थैंक यू।